नमस्कार, आप देख रहे हैं वी के न्यूज़, मैं अमित भोबिया। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का एक बड़ा वार, अब किसके दरवाजे पर जाएगा पाकिस्तान, यही सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि अब जो चोट पाकिस्तान को भारत ने दी है, उसका इलाज तो न अमेरिका के पास है ना ही चीन के पास। भारत का ये हमला पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। इसका असर देखने में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसके बाद बर्बाद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान तमतमाया हुआ है, लेकिन अब मोदी सरकार उसके साथ जो करने जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। ऐसा क्या करने जा रही है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा, क्योंकि मोदी सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत के बड़े हिस्से का पानी पाकिस्तान की ओर जाता था। जल्द ही सरकार इसकी सही व्यवस्था करेगी और जो हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान की ओर जाता था, उसे डाइवर्ट करके वापस भारत लाएगी। इससे भारत के किसानों का और भारत के लोगों का फायदा होगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपनी नई सरकार आने के बाद नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। इस मंत्रालय का काम जल को बचाना होगा। इस मंत्रालय ने अपना सबसे पहला हथौड़ा पाकिस्तान पर चलाया है। इससे पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पानी कोई वस्तु तो है नहीं जिसको किसी देश से खरीदा जा सके। पानी तो अपने पड़ोसी देशों से ही लिया जाता है। पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान के पास पानी है नहीं और चीन से पानी आने का कोई रास्ता नहीं है। भारत अब पानी देगा नहीं। खैर, इससे पहले पाकिस्तान ने जब भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़े थे, तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें 35% तक महंगी हो गई थी। टमाटर 300 रुपये किलो तक पहुंच गया था, क्योंकि पाकिस्तान को ये सारा सामान अब दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, जैसे चीन, तुर्की, अफ्रीका। यहाँ से उसे सामान मंगवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। भारत से सामान बहुत सस्ता पड़ता था, और अब बात तो पानी की है, पानी मंगवाना तो नामुमकिन है। फिर से पाकिस्तान को भारत के दरवाजे पर भीख मांगने आना होगा और भारत के आगे गिड़गिड़ाना होगा। तो दोस्तों, भारत सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।